हाय स्टूडेंट गुड मॉर्निंग तो हम लोग आज क्लास नाइन एक्सरसाइज टू पॉइंट फाइव क्वेश्चन नंबर टेन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर टेन क्या दिया हुआ है आपका फैक्ट्राइज इज ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे दिया हुआ है आप लोग का रोमन नंबर वन ट्वेंटी सेवन वाई क्यूब प्लस वन ट्वेंटी फाइव जेड क्यूब तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करना है हम लोग को मैंने हमेशा जब भी क्वेश्चन कराता हूँ मैं आप लोग को एक ही चीज़ कहता हूँ मैं कोई भी क्वेश्चन है क्वेश्चन को देखने से आप लोग को पता चलना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला में होगा ठीक है तो इसलिए आप लोग का क्लास नाइन जो है आप लोग नाइन हो टेन हो फॉर्मूला बहुत जरूरी है आप लोग मेमोरी के अंदर में डाल लीजिए अपना दिमाग के अंदर कौन सा फॉर्मूला कहाँ में होगा आपका सेटअप होगा तो ये हमें ऑलरेडी दिखाई दे रहा है आप लोग का ए क्यूब है या में भी बी क्यूब है इसका मतलब ये कौन सा फॉर्मूला में सॉल्व होगा आप लोग का ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो देख लीजिए ये कौन सा फॉर्मूला में सॉल्व होगा यूजिंग फॉर्मूला और मैं कोई भी क्वेश्चन कराता हूँ फॉर्मूला लिख आप लोग बताता हूँ लिखाता हूँ तो हर फॉर्मूला का आप लोग एक काम कीजिए एक कॉपी में नोट्स कर लीजिए तो ये कौन सा फॉर्मूला होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला में होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब एजिकल तो क्या हो जाएगा हम लोगों का ए प्लस बी एन टू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर ठीक है तो आपका ये फॉर्मूला में सॉल्व होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इजिकॉल ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो सबसे पहले हम लोग का जब आपका ए प्लस बी होल क्यूब में ए क्यूब प्लस बी क्यूब में सॉल्व होगा तो ये क्या दिया हम लोग का ट्वेंटी सेवन वाई क्यूब प्लस वन ट्वेंटी फाइव जेड क्यूब दिया हुआ है तो so, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेगा एक्सपेंडेड फॉर्म में पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग तो so, हम लोग का यहाँ पे क्या है ट्वेंटी सेवन वाई क्यूब है तो so, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे थ्री का क्यूब लिख सकते हैं तो so, एका जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग थ्री वाई क्यूब लिख सकते हैं क्या साइन है यहाँ पे प्लस 125 को क्या लिख सकते हैं हम लोग फाइव जेड क्यूब लिख सकते हैं ठीक है इसको समझने के लिए प्रॉब्लम होता था आप यहाँ पर क्यूब निकाल सकते हो ऑलरेडी सपोज मैं राफ़ कर रहा हूँ यहाँ पे देख लीजिए इसको समझने के लिए यहाँ पे 27 ऑलरेडी है 27 को क्या से जाएंगे हम लोग का थ्री से थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन थ्री थ्री जा थ्री थ्री ज्या होता है हम लोगों का नाइन थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री आ चुका है तो इसलिए कितना थ्री आ चुका है तीन थ्री ना तो थ्री का पावर क्या लिख दिया हम लोगों ने थ्री लिख चुका है और यहाँ पे कितना था हम लोग का वन ट्वेंटी फाइव तो वन ट्वेंटी फाइव यहाँ मैं राफली कर रहा हूँ वन ट्वेंटी फाइव तो यह भी क्या से जाएंगे हम लोग का लास्ट में फाइव है ना तो फाइव तो से जाएंगे फाइव टू जा टेन तो बच गया कितना टू फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव तो क्या बच गया फाइव 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 जा ट्वेंटी फाइव कितना फाइव आ चुका है थ्री फाइव तो इसलिए फाइव टू दी पावर क्यूब लिख दिया हम लोग फाइव जेड क्यूब लिख दिया ठीक है तो ए प्लस बी हॉल क्यूब का फॉर्मूला हमें हम लोग को मिल गया अब इसको क्या कर देंगे तो इसका मतलब क्या है हम लोगों का तो इसको सबसे सब पहले राफली लिख लिए कभी गलती नहीं होगा इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे हम लोग का थ्री वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे हम लोगों का फाइव जेड हो जाएंगे ना तो जहां जहां ए है वहां क्या पुटअप करेंगे हम लोग थ्री वाई और जहां बी है क्या पुटअप करेंगे फाइव जेड इस तरीके से कीजिए कभी गलती नहीं होगा आप लोगों का तो यहां पे क्या है हम लोगों का ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसको हम लोग ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो चुका है हम लोगों का तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग अभी यहाँ पे मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ थ्री वाई प्लस फाइव जेड इन टू यहाँ पर पुटअप कर रहा है देखिए आप लोग इसमें पुटअप कर रहा हूँ मैं तो एक जगह में क्या पुटअप करेंगे थ्री वाई स्क्वायर क्या साइन है हम लोगों का माइनस ए कितना हम लोगों का थ्री वाई बी कितना आमला का इंटू फाइव जेड क्या साइन है प्लस बी कितना लोगों का फाइव जेड क्या है यहाँ पे फॉर्मूला में स्क्वायर ना देखिए फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग इसलिए पुटअप किया है ठीक है पुटअप करने के बाद क्या कर सक करना है हम लोग को का अभी कैलकुलेशन करना है यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का थ्री वाई का थ्री वाई क्या साइन है प्लस फाइव जेड का फाइव जेट ये वैसे रहेंगे हम लोगों का यहाँ में कुछ चेंज होना है हम लोगों का थ्री का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएंगे थ्री थ्री जा नाइन नाइन वाई का स्क्वायर क्या साइन है हम लोगों का माइनस थ्री फाइव जा फिफ्टीन क्या है यहाँ पे हम लोगों का वाई और यहाँ पे क्या हम लोगों का जेट क्या साइन है प्लस फाइव का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएंगे फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर ठीक है ये हम लोग का आंसर निकल चुका है आई होप कि आप लोगों को समझ में आओ एनी प्रॉब्लम एनी डाउट अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर दीजिए तो रोमन नंबर टू कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर टेन का रोमन नंबर टू में क्या दिया हुआ हम लोगों का सिक्सटी फोर एम क्यूब माइनस थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री एन क्यूब दिया हुआ है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोगों को फॉर्मूला को आपको पता होना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या दिया आप लोग का माइनस दिया हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो इसको किस कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे यूजिंग यूजिंग फॉर्मूला होगा हम लोगों हो का ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो क्या होता है हम लोगों का ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला में हम लोग का सॉल्व होगा ये क्वेश्चन तो इसको हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग लेके आना पड़ेगा हम लोग को तो ये क्या हम लोग का सिक्सटी फोर है तो सिक्सटी फोर को हम लोग क्या कर सकते हैं थोड़ा हम लोग इसका सिक्सटी फोर का क्यूब निकाल रहे एक्सपेंडेड फॉर्म में सॉल्व करने के लिए देख लीजिए सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर है तो ये क्या से जाएंगे हम लोगों का फोर से जा सकते हैं ना हम लोगों का सिक्सटी फोर है फोर से करेंगे तो कितना होगा हम लोग का फोर वन जा फोर कितना बच गया हम लोग का टू फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर तो क्या हो जाएगा हम लोग का फोर फोर जा सिक्सटीन तो कितना फोर आ चुका है तीन तो तीन फोर आ गया तो फोर का क्या कर सकते हैं हम लोग क्यूब लिख सकते हैं तो चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं जहाँ जहाँ पे हम लोग का क्या है ए क्यूब है वो हम क्या लिख सकते हैं हम लोग फोर एम क्यूब ठीक है क्या साइन है हम लोग का यहाँ पे माइनस अभी क्या हम लोग का थ्री थ्री तो थ्री फोर्टी थ्री को भी हम लोग एक्सपेंडेड में करना पड़ेगा तो क्या से करेंगे चलिए हम लोग थ्री फोर्टी थ्री थ्री तो इसको क्या में करेंगे हम लोग किस से जाएंगे हम लोग का थ्री फोर्टी थ्री सेवन से क्यूब निकाल के देख लेते हैं हम लोग सेवन से अगर करता तो क्या सेवन फोर जा ट्वेंटी एट होता है ना हम लोग का yeah. कितना बच गया सिक्स सेवन नाइन क्या हो जाएगा हम लोग का सिक्सटी थ्री सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन तो सेवन का क्या लिख हैं हम लोग क्यूब लिख सकते हैं हम लोग ऑलरेडी तो यहाँ पे हम लोग कर तो थ्री फोर्टी थ्री का कर देते हैं हम लोग क्या सेवन ठीक है ना सेवेन एन क्यूब हो चुका है अभी यहाँ पे क्या साइन है इक्वल तो यहाँ पे क्या है हम लोगों का तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करता हूँ ठीक है ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो अभी कौन सा फॉर्मूला पुटअप करेंगे इसको तो ए इक्वल टू क्या हो गया हम लोगों का फोर एम क्यूब और बी इक्वल टू क्या हो गया हम लोगों का सेवन एन क्यूब जहाँ जहा में ए है क्या लिखेंगे हम लोग फोर एम क्यूब जहां जहां बी है क्या लिखेंगे हम लोग सेवन एन क्यूब तो चलिए करते हैं हम लोग पुटअप करते हैं एका जगह में एक का कितना हम लोग का फोर एम क्यूब माइनस बी का जगह में क्या हम लोग का सेवन एन क्यूब है ना हम लोग का yes. तो यहाँ में हम लोग क्यूब नहीं लिखा क्योंकि यहाँ ए माइनस बी दिया हुआ है ठीक है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे फोर एम माइनस सेवन एन ठीक है अभी यहाँ पे क्या है हम लोग का हम लोग फार्मूला का हिसाब से जाना पड़ेगा ए का जगह में क्या लिखेंगे हम लोग फोर एम स्क्वेयर और यहाँ पे क्या साइन है हम लोगों का प्लस ए कितना हम लोगों का फोर एम बी कितना हम लोगों का सेवन एन क्या साइन है प्लस बी कितना हम लोगों का सेवन एन का स्क्वायर ठीक है तो यहाँ में हम लोग का फॉर्मूला में हम लोग ने पुटअप कर दिया अभी क्या करें? तो हमें इसे फोर एम है फोर एम स्क्वायर का अगर करते हैं हम लोग स्क्वायर फोर का फोर फोर क्या हो जाता है हम लोगों का सिक्सटीन एम क्या है हम लोग का प्लस फोर सेवन जहा ट्वेंटी एट यहाँ पे क्या है N, क्या 49, क्या हम लोग का एम और यहाँ पे क्या है एन क्या साइन है प्लस सेवन का अगर स्क्वायर करते हो तो क्या होता है सेवन सेवन जहा फोर्टी नाइन क्या है हम लोग का एन स्क्वायर और इसको तो हम लोग जैसे का वैसे लिख सकते हैं फोर एम माइनस सेवन एन आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा एनी प्रॉब्लम एनी डाउट प्लीज कमेंट कीजिएगा और जितना भी फॉर्मूला है आप लोग अपने मेमोरी लो में डाल लीजिएगा थैंक यू